नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सबसे पहले बात करते हैं नहीं रहे बंटी बना के। वल्लभ नगर से कांग्रेस विधायक और युवा नेता गजेंद्र सिंह शक्तावत का बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया था। लंबी बीमारी के चलते वो पिछले एक महीने से भी ज्यादा वक्त से वहां पर इलाज करवा रहे थे, लेकिन कल सुबह अचानक से निधन की खबर आई, जिसके बाद से ही उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, कांग्रेस पार्टी के भीतर तमाम लीडर्स, उनमें भी शोक की लहर दिखाई दी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उदयपुर से तस्वीर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी रवि शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा मैं रवि का ही रुक करूंगी। रवि, कितने देर में जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है वो होगा या फिर अभी क्या वहां पर चल रहा है, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए दीपा, जो गजेंद्र सिंह शक्तावत हैं, जिनका की कल सुबह जो है निधन हो गया था, आज सुबह सबसे पहले उनकी जो पार्थिव देह है वो उदयपुर में उनका जो फतेहपुरा में स्थित आवास है वहां पर लाई गई और इसके बाद ये जो पूरी यात्रा है, अंतिम यात्रा है, वो उदयपुर से रवाना हुई, जो अब से थोड़ी देर बाद भिंडर पहुंचेगी। भिंडर कस्बा जो है, दरअसल गजेंद्र सिंह शक्तावत की कर्मभूमि भी है, उनका पैतृक गांव भी है और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारी तादाद में जो लोग हैं, खासकर कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के भी कई पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी यहां पहुंचे हैं। तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहां पर हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जो हैं वो यहां पहुंचे हैं। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा के जो कई सदस्य हैं, खासकर बात करें जो सचिन पायलट के साथ यहाँ पहुंचे हैं, उनमें इंद्राज गुर्जर हैं, वेद प्रकाश सोलंकी हैं। इसके साथ ही जो बाकी के जो हेमाराम चौधरी है, विधायक पी आर मीणा यहाँ पहुंचे हैं, जी आर खटाना यहाँ पर है, सुरेश मोदी यहाँ पर हैं, ब्रजेंद्र रोला यहाँ है, हरीश मीणा पहुंचे हैं, मुरारीलाल मीणा पहुंचे हैं, महेंद्र सिंह मालवीय यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और इसके साथ ही जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, तमाम जो उनके प्रशंसक हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके विधानसभा में जो साथीगण हैं वो यहाँ आए हैं और क्योंकि एक युवा नेतृत्व जो है वो कांग्रेस ने खोया है, एक ऐसा सितारा जो कि आने वाले दिनों में और बुलंदियों पर पहुंचता, वो जल्दी अस्त हो गया। मेवाड़ के लिए अगर बात करें, मेवाड़ के राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो मेवाड़ ने भी एक बड़ा लीडर खोया है कांग्रेस का। तो ऐसे में तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और थोड़ी देर में जो उनकी अंतिम यात्रा है, जो कि जयपुर से, माफ कीजिएगा, उदयपुर से सुबह 8 बजे रवाना हुई थी, वो अंतिम यात्रा जो है अब से थोड़ी देर बाद यहाँ भिंडर पहुंचेगी, जो कि उनका पैतृक गांव और यहीं पर जो उनका निवास है, पैतृक निवास है, वहां पर जो उनका पार्थिव देह है उसको अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। तमाम लोग जो हैं वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और फिर ये जो उनकी पार्थिव देह है उसको मोक्ष धाम ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। शक्तावत के पुत्र जो है बिंदराज उनको मुखाग्नि देंगे और तमाम लोग, तमाम उनके चाहने वाले जो है लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और काफी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो देखिए, एक बड़ी बात और भी दीपा देखने को मिली कि जब उदयपुर से जो है उनकी पार्थिव देह एक अंतिम यात्रा के तौर पर वहां से जब रवाना हुई, तो रास्ते में दर्जनों गांवों में जो है उनका उनके जो चाहने वाले थे उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अपने लाडले नेता को अंतिम विदाई दी। तो कुल मिलाकर काफी तादाद में लोग अभी भी यहाँ आ रहे हैं, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी। और बड़ी बात, चूंकि उनकी मिलनसारता, उनका अंदाज इस तरह का था गजेंद्र सिंह शक्तावत का कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दूसरी विचारधाराएं जो है, रवि, और ये उनकी लोकप्रियता को भी दर्शाता है, कितने उनके प्रशंसक थे, कितना लोग उनसे प्यार करते थे। ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी पा रहे हैं इस वक्त रवि, ये भी वो दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता इलाके में कितनी थी, ना सिर्फ अब उनके विधानसभा क्षेत्र में, ना सिर्फ मेवाड़ में, बल्कि राजस्थान में लोग अलग अलग जगहों से भी चाहते हैं कि वो इस अंतिम यात्रा में शामिल हो और अंतिम विदाई गजेंद्र सिंह शक्तावत को दे।
बिल्कुल देखिए दीपा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गजेंद्र सिंह शक्तावत जो है वो इस पूरे इलाके में ही नहीं, पूरे मेवाड़ के एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे थे और तीन बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ा था। एक 2008 में उन्होंने इसी इलाके के भिंडर वल्लभ नगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके जो कद्दावर नेता थे रणधीर सिंह भिंडर, उनको हराया और 2008 में पहली बार वो विधानसभा पहुंचे और विधानसभा पहुंचने के बाद ही तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने संसदीय सचिव के बतौर उन्हें उनकी उनको प्रोत्साहित किया, उनको नवाजा संसदीय सचिव के पद से। इसके बाद 2013 में वो चुनाव लड़े लेकिन 2013 का जो विधानसभा का चुनाव है वो हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके उनकी जो सक्रियता थी अपने इलाके में वो कतई कम नहीं हुई और यही वजह है कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जीता। त्रिकोणीय मुकाबला था जहां पर रणधीर सिंह भिंडर मैदान में थे तो भाजपा के भी उदयलाल डांगी जो है वो मैदान में थे, लेकिन गजेंद्र सिंह शक्तावत ने अपनी लोकप्रियता से अपनी मिलनसारता से इस पूरे चुनाव को बहुत ही अच्छे तरीके से जीत कर और एक बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके बाद से लगातार वो सक्रिय थे, अपने क्षेत्र में आना, यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनना, साथ ही इलाके के विकास को लेकर उनकी उनका जो विजन था वो कहीं ना कहीं ये साबित करता था कि वो किस तरीके से अपने इलाके का विकास चाहते थे। हमेशा विधानसभा में जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ इस इलाके के विकास की जो योजनाएं हैं उनको पटल पर रखा, सरकार के सामने रखा, बुलंद आवाज में सामने रखा और हाल ही में जब एक सरकार के बीच एक विवाद पनपा था तब पायलट गुट में आने के चलते भी वो काफी सुर्खियों में रहे थे, लेकिन इन सब चीजों के अलावा गजेंद्र सिंह शक्तावत का व्यक्तित्व इस तरह का था कि उन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र के विकास को सर्वोपरि रखा, प्राथमिकता अपने क्षेत्र के विकास को दी और चाहे कहीं भी किसी भी स्तर पर उन्हें बात करने की जरूरत होती थी वो कभी अपने इलाके के लोगों के विकास और इस इलाके की विकास की योजनाओं को लेकर कभी पीछे नहीं हटे और यही वजह है कि आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, अपनी जनता के बीच नहीं है, तब भी उनके जो प्रशंसक हैं उन्हें लगातार याद कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा दीपा कि भिंडर में आज पूरा जो कस्बा है, भिंडर कस्बा एक तरीके से कहें तो बंद है, व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखे हैं और तमाम लोग इस कस्बे के आसपास के इलाकों के गांव के वो तमाम लोग अपने इस लाड़े नेता को आखिरी विदाई रवि देना चाहते हैं अपने प्यारे अपने लोकप्रिय नेता गजेंद्र सिंह शक्तावत को। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारियों के।